गहलोत के राज में ये है, एक तो जो है सबसे बड़ा जो है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार एक कोई किसी का कोई काम नहीं होता है यहाँ, बगैर पैसे कोई काम नहीं होता है। बलात्कार है तो बलात्कार जो इस वक्त यूपी से भी ज्यादा राजस्थान में है, सब काम जो है इसने जो है घोषणाएं कर देता है दुनिया भर की, लागू एक भी करता है। क्यों करता है घोषणाएं? वोट लेने के लिए घोषणा करता है, लेना देना कुछ नहीं। अच्छा, योगी मॉडल चाह रहे हो राजस्थान में? योगी राजस्थान सबसे बढ़िया है, उसका कानून हर जिला में हो, हमारे राजस्थान में मांगते हैं हम। अच्छा, वैसा कानून हो। चाचा आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने जो काम किया है, जो कांग्रेस सरकार ने 1947 के बाद में ही नहीं किया। अच्छा, और ये किया है कि हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का काम किया है उसने, कांग्रेस ने। अच्छा, और 1947 में के बाद में जो है कांग्रेस ने सत्तर आयोग की रिपोर्ट भेजी थी मुसलमानों के माफी यहाँ से, सच्चर आयोग हाँ उसकी रिपोर्ट भेजी थी, उसमें भी आरक्षण नहीं दिया। और इसने जो है 4% तो पठानों को और इनको आरक्षण दिया। अच्छा, मोदी सरकार ने और हर काम में मोदी हिंदू मुसलमानों की साथ देके चलता, सबको साथ देके चलता है, बिल्कुल सबको साथ देके चलता है। और ये सतीश पूनिया साहब जो ऐसे इस विषय के आदमी है, पहले 329 वोट से हारे थे ये, फिर दोबारा ये जीत गए और जीत करके इन्हें काम भी कराया इन्होंने, हमारे स्कूल के अंदर 30 लाख रुपया दिया इन्होंने। अच्छा, एक कमरे का 10 लाख उधर दिया, 40-50 लाख रुपए का वो भी काम कराया, समझे ने। और अच्छे आदमी है, वर्कर आदमी है, बस। चाचा एक बात मुझे और बताओ, आपने ये बात कही, ये राहुल गांधी कहते हैं कि जब से मोदी आए हैं मुसलमानों को सेकंड क्लास यानी कि दूसरी दर्जे का नागरिक बना दिया है मोदी ने। वो ऐसा है सर, वो तो राहुल गांधी जी तो नाटक करता है, उसका तो नाटक है, देख देख संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान, तो उसका तो वो तो नाटक करता है, उसके नाटक को कोई नहीं समझता है, समझे ने। क्योंकि उन्होंने उन्होंने राज किया है ने, तो ऐसे ही किया है। अच्छा, राज ऐसे ही किया है? ऐसे ही किया है। क्या था उनका राज का फॉर्मूला? उनका राज का फॉर्मूला तो कई थे, 1947 से कश्मीर का मसला था, नेहरू जी ने खूब उठा दिया। मैं बहुत पुरानी बातें बता रहा हूँ आपको। हाँ, बता रहा हूँ मैं। वो मसला था सारा, वो भी उन्होंने जो है 1947 की रिपोर्ट दे करके और नेहरू जी ले गए सलामती काउंसिल के अंदर, तो वहाँ ले जा करके कश्मीर की ऐसी करवा दी उन्होंने, कश्मीर की ऐसी तैसी करवा दी। ये उन्हीं का काम है, सारा काम है। अच्छा, ये कह रहे हैं ओवैसी जो है ना, वो कहते हैं बार बार कि मोदी मुसलमानों के मजहबी रिवायतों के अंदर घुस रहे, उसकी इजाजत उन्हें नहीं है। वो क्यों 3 तलाक कानून हटा दिया? क्यों कह रहे हैं कि मदरसों का जांच होगी, वहाँ लैपटॉप कंप्यूटर पहुँचाए जाएंगे? वो ऐसा है, जो 3 तलाक का जो फैसला भी दिया है ना, वो भी बहुत बढ़िया फैसला है, बहुत अच्छा है। अच्छा, कैसे? बिल्कुल अच्छा है। आप बताओ कैसे? ऐसे अच्छा है कि बच जाओ जो कह देता था तलाक दे दो रे, छोड़ दो रे, अब क्या है कि कोर्ट के अंदर जाएगा, जब उसके पैसे बन जाएंगे। मोदी ने तो बढ़िया काम किया है, बढ़िया काम किया है। हाँ, सुरक्षा आई है मुसलमान? बिल्कुल सुरक्षा आई है। अच्छा एक बात, तो मुसलमान सुरक्षित है या नहीं? बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल यहाँ भाईचारे से रहते हैं, बिल्कुल सुरक्षा है। ये तो ये पार्टियां हैं ना, ये कहती है वोट लेने के लिए, मुझे दे दे ऐसा, मुसलमान ये ऐसा, ये हिंदू ऐसा करता है, मुसलमान ऐसा करता है, सब एक है। एक सवाल का जवाब और दो, कल योगी जी आए या आज केशव प्रसाद मौर्य आए थे, साथ में बुलडोजर भी आया है, कह रहे हैं बुलडोजर आ गया मुसलमानों डर जाओ, ऐसा कांग्रेस वाले कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं ऐसा? उनका काम है ये कह रहे हैं, जो विरोधी वाले ऐसे पुकारते हैं, ये विरोधी के होते हैं ना, वो ऐसे पुकारते हैं, ये है वो है, ये काम झूठा है। तो योगी का काम कैसा लगता है आपको? योगी की चर्चा होती है राजस्थान में, वहाँ का यूपी वाला, उसका कानून बहुत स्ट्रिक्ट कानून है, बहुत स्ट्रिक्ट कानून है। हाँ, उसका कानून हर जिला में हो, हमारे राजस्थान में मांगते हैं हम। अच्छा, वैसा कानून हो। मुसलमानों को तो डरा, मोदी का कानून डराए नहीं है, मतलब मुसलमानों को योगी का खौफ दिखाया जाता है। आज मुसलमान की लड़की जो है, वहाँ लड़की मुसलमान की या हिंदू की, रात के 12 बजे निकलेगी ना, तो सुरक्षा निकलेगी इसके राज में, मोदी इसके में, और हाँ योगी के राज में, और नहीं तो निकलते नहीं, उठाकर बात करके सारे को दे जाते, यही काम था।
यूपी का यही काम था। गहलोत के राज में क्या है, लड़कियां निकल सकती हैं? गहलोत के राज में लड़कियां निकलती हैं बाहर? गहलोत के राज में ये है, एक तो जो है सबसे बड़ा जो है भ्रष्टाचार, एक कोई किसी का कोई काम नहीं होता है यहाँ, बगैर पैसे कोई काम नहीं होता है। बलात्कार है तो बलात्कार जो इस वक्त यूपी से भी ज्यादा राजस्थान में है। आपको बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब और क्या है, सब काम जो है इसने जो है घोषणाएं कर देता है दुनिया भर की, लागू एक नहीं करता है। क्यों करता है घोषणाएं? वोट लेने के लिए घोषणा करता है, लेना देना कुछ नहीं। अच्छा, योगी मॉडल चाह रहे हो राजस्थान में? योगी मॉडल सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया। हाँ अच्छा चाचा, आपके पास आऊंगा। अगर कांग्रेस अगर मुसलमानों का अगर ख्याल रखती तो 400-400 सीटें उस टाइम पे जब होती तो मुसलमानों को जो है नौकरियों में, उनके एजुकेशन में और उनके जो विकास में, उनको पिछाड़ा किसने? कांग्रेस ने पिछाड़ा। आज मोदी जी ने 10% मतलब जो है सरण जाति का जो आरक्षण दिया उसमें मुसलमानों को शामिल किया है। अच्छा, मुसलमानों को शामिल किया है, 10% जो है वो मुसलमानों को मतलब जो है शामिल किया। तो आप ये देखो कि जब आज 10 साल में मोदी जी को कहते हैं साहब ये सबका साथ सबका विकास नहीं है, तो विकास नहीं तो क्या है? अब 10% के अंदर जो आरक्षण जो दिया है, जो सरण जाति को दिया, जो मुसलमान सभी जाति को दिया है, और आगे भी जो है मुसलमानों के लिए कई उनके पास प्रोग्राम है, प्रोग्राम करेंगे, प्रोग्राम उनका मतलब जो है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मुन्ना भाई मंसूरी। ये कल जब योगी आए तो उनके बुलडोजर से लोगों को डरा रहे थे कि देखो बुलडोजर आ गया, बुलडोजर की राजस्थान में क्या जरूरत है, क्या कहोगे आप इस? जो गलत लोग होते हैं ना वो बुलडोजर देख कर डर जाते हैं। हाँ। जो ईमानदार है वो काहे को डरेंगे? योगी कह रहे थे कि बुलडोजर पापियों का नाश का और विकास का प्रतीक है, आप बुलडोजर को क्या समझते हैं? अगर कोई गलत होगा उसी का तोड़ेगा। हाँ। हर किसी का थोड़ी तोड़ देगा जाके, हर किसी का थोड़ी। हाँ। सही बात, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये राजस्थान में अपराध वगैरह ज्यादा है क्या? हाँ है, बिल्कुल है। कैसे काबू आएगा? कानून सख्त होगा तो हो जाएगा। कानून कहाँ का सख्त है? अभी तो यूपी का ही है। अभी तो यूपी का ही है। हाँ। तो आप लोग राजस्थान में क्या चाह रहे हैं? यूपी का ही जैसा कानून हो जाए यहाँ भी, यूपी के जैसा ही कानून। हाँ। हो जाए। योगी का क्रेज है क्या यहाँ राजस्थान में? तो योगी को चाह रहे हैं क्या? है थोड़ा वो तो है। अच्छा मुझे ये बताओ, मोदी ने कैसा काम किया, योगी ने कैसा काम किया? मोदी ने बढ़िया काम किया, जो कानून वगैरह जो लगाए ना उन्होंने वो अच्छा ही काम किया उन्होंने। मुसलमानों को डराया क्यों जाता है मोदी के नाम? अब जो गलत लोग होते हैं ना वो डरते हैं। हाँ वो डरेंगे। वो काहे को डरेंगे? कानून कश्मीर का भी जो किया है उन्होंने हल कर ही दिया ना उस चीज का। अच्छा, नहीं तो उस चीज में जैसे हमेशा उसी मुद्दे को लेकर चलते रहते थे और वोट हासिल हो जाता था, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान हिंदुस्तान करके कोई किसी भी तरीके से वोट हासिल हो जाता था। वो एक मुद्दा था उनके लिए, वो मुद्दा खत्म हो गया। अब कौन सा मुद्दा रखेंगे? अच्छा विकास हुआ है मोदी के शासन? हाँ जी, मोदी के शासन में विकास हुआ है। हाँ विकास तो हुआ है। मुसलमानों की स्थिति बदली है? बदली भी है। सुरक्षित महसूस कर रहे हैं मुसलमान मोदी के राज? नुकसान तो कहीं नहीं है। अच्छा कांग्रेस का काम बढ़िया था या बीजेपी का? अभी दोनों का ही है यहाँ पे, गहलोत का भी ठीक है, बाकी इतना स्ट्रिक्टली कानून नहीं है यहाँ। चाचा क्या नाम है आपका? अब्दुल कदीर। अब्दुल कदीर। अब्दुल जी किसका काम पसंद है? अपने लिए सबका पसंद है। सबका पसंद है, ज्यादा किसका पसंद है? सात तरह आदमी अपन शांति आदमी है, शांति नहीं बनाना चाहते हैं, शांति बनाना चाहते हैं बस। राहुल गांधी कहते हैं मोदी जी शांति नहीं रहने देंगे, सब रहने देंगे, सब रहने देंगे, क्यों नहीं रहने देंगे बताओ। चलिए, सबका ऐसा है कि ये तो सीट है जिसके पास पड़ गई बल्ले वो बादशाह बन गया। अपने तो जो आएगा वो समझ करेगा, कोई भी हुकूमत होगी अपना काम करेगी, ईमानदारी से करेगी तो फिर दोबारा बल्ली खा जाएगी। देखिए कांग्रेस पिछले 70 साल से हिंदुस्तान में राज किया है और देश और विदेश में उनके काफी सारे ऐसे शिल्पकार हैं जिनको ने कांग्रेस ने पाला है। एक नैरेटिव तय किया जाता है और राहुल गांधी राजस्थान में कहीं से भी खड़ा हो जाए यदि वो 10,000 वोट भी ले आए तो बहुत बड़ी बात है। 10,000 वोट पूरी भारत जोड़ो यात्रा गुजरी है राजस्थान से। आप आने वाले रिजल्ट बता देंगे कि भाजपा इस बार 150 पार है? भाजपा 150 पार है। प्रियंका जी कह रही हैं
कि जो उनका लिफाफा है कांग्रेस वालों का वो राजस्थानियों के लिए भरा हुआ है और मोदी जी का लिफाफा खाली है, और 23 में गहलोत और 24 में राहुल गांधी की आंधी और मोदी उड़ जाएंगे। देखिए हम लोग हिंदुस्तानी और हमारे संस्कार है, हमारे यहाँ 1 रुपए से लेके 11 रुपए 51 रुपए भी एक दान माना जाता है। यदि किसी की भावना के साथ एक लिफाफा से जोड़ के उसको हाथ किया जाता है क्योंकि उनको संस्कार से नहीं जुड़े हुए। मोदी जी हिंदुत्व का एक सनातनी चेहरा है, उनका सनातन है, उन्होंने दक्षिणा में क्या दिया क्या नहीं दिया वो मायने नहीं रखता, मायने रखता उनके ईश्वर के प्रति विश्वास श्रद्धा, वो सबसे बड़ी चीज है। वो जो बनावटी ब्राह्मण नहीं है जो कभी जनेऊ धारण कर लेते हैं कभी टोपी पहन लेते हैं, ऐसे मोदी जी नहीं है। मोदी जी अपने धर्म के प्रति हमेशा एक ही बात बोलते हैं, मैं